गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, सुप्रभात। तो देखो स्टूडेंट, मैंने रचना विभाग जो पढ़ाया आपको, ग्रामर का, वो जो रचना विभाग है, रचना विभाग यानी कि लेखन विभाग भी उसको कहा जाता है, लेखन विभाग, रचना विभाग। उसमें सबसे पहले मैंने निबंध लेखन के बारे में जानकारी दी और निबंध लिखते समय कौन सी चीज़ें यानी कि कौन सी बातें ध्यान में रखने का उसके बारे में भी मैंने चर्चा की। और उसके बाद निबंध की सूची यानी कि इंडेक्स, निबंध की जो विषय है विषय भी मैंने आपको सेंड किए हैं। तो आज जो है लेखन विभाग का दूसरा जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर है यानी कि दूसरा जो प्रकार है पत्र लेखन, तो पत्र लेखन के बारे में मैंने जानकारी दी है और आपको भी मतलब बहुत सारी जानकारी, तो भी और भी एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। तो पत्र लेखन में रचना विभाग का जो दूसरा जो चैप्टर है यानी कि पत्र लेखन, तो लेटर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, लेटर कैसे लिखने चाहिए। अभी तो देखो मतलब जो पहले जो लेटर लिखे जाते थे यानी कि औपचारिक अनौपचारिक दो ही प्रकार में लिखे जाते हैं, लेकिन अभी ईमेल लेटर राइटिंग भी आई है। 9-10 के स्टूडेंट को ईमेल लेटर कैसे लिखने का है उसके बारे में भी जानकारी मतलब क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। और उसके बाद लेटर लिखते समय जो लिफाफा बनाया जाता था पहले, तो लिफाफा बनने के लिए कहा गया, तो लिफाफा ही बना सकते हैं आप नीचे लास्ट में लिफाफा बनने का। तो लेटर राइटिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो है हिंदी के प्रश्न पत्र में पत्र लेखन के लिए, इनमें से कोई भी एक विषय दिया जाता है तो उनमें व्यावसायिक पत्र और कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीन पत्र, आवेदन पत्र, ये 8, 9, 10 को पूछा जाता है। विज्ञापन, निमंत्रण पत्र, फलक सूचना आदि सब कुछ पूछे जाते हैं। प्रश्न पत्र में लिखने वाले और पाने वाले का नाम, पते और विषय दिए जाते हैं। ये ब्लॉक ब्लॉक में दिए जाते हैं, संजाल जैसे, शब्दकृति जैसे दिए जाते हैं 8, 9, 10 स्टैंडर्ड को। तो उसमें जो पत्र पूछा गया है यानी कि व्यावसायिक हो, कार्यालयीन हो, आवेदन पत्र हो, निमंत्रण पत्र हो, ये सब कुछ पूछे जाते हैं। लेकिन 5th, 6th, 7th में ये जो है सिर्फ औपचारिक अनौपचारिक के जरिए पत्र लिखावट की जाती है। जैसे कि अगर देखो कार्यालयीन पत्र में किसी अधिकारी को पत्र लिखना है, समझो कि किसी का किसी नगर में या किसी मोहल्ले में अशुद्ध जल की आपूर्ति हो रही है, उसके बारे में कोई लेटर, कोई कंप्लेंट लेटर देना है आपको, तो वो मतलब कैसे लिखने का उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको। और जो औपचारिक जो पत्र है वो तो उसमें मतलब पिताजी, माताजी, चाचा जी को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, या शादी के लिए निमंत्रण पत्र, ये सब कुछ जो है ये मतलब अनौपचारिक में आते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें, सबसे पहला जो है स्थान और दिनांक। पत्र लेखन में स्थान और दिनांक इम्पोर्टेंट है, स्थान और दिनांक। स्थान मतलब आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं उसका स्थान लिखने का है। जैसे कि पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर दाहिने किनारे पे, दाहिने यानी कि राइट हैंड, जो दाहिने किनारे पे जो है उसका मतलब पता लिखने का है। पर अपना स्थान, पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर दाहिने किनारे पर अपना स्थान यानी कि प्रेषक का पता और नीचे दिनांक तारीख लिखनी चाहिए, यानी कि दाहिने एंगल में। जैसे कि पत्र लिखते समय ये देखो ये फॉर्मेट है ऐसा समझो, तो सबसे यहाँ दाहिने एंगल में यहाँ पे आपको प्रेषक का नाम यानी कि जो दिया गया है वो लिखना चाहिए। उसके बाद संबोधन और अभिवादन दूसरा जो है यहाँ पे लिखा आपने। अगर देखो अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं आप मतलब पिताजी को, माताजी को, चाचा जी को, छोटे भाई को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए, अपने पिताजी को पिकनिक के जाने के लिए पैसे की मांग करते हुए, जो भी मतलब अनौपचारिक, औपचारिकता नहीं है उसमें। औपचारिक मतलब क्या है कि किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं आप किसी समस्या के बारे में, या पुस्तक की डिमांड करने के लिए, कोई पुस्तक आपको चाहिए तो उसका डिमांड करने के लिए जो लेटर लिखा जाता है उसको औपचारिक लेटर कहा जाता है, यानी कि किसी अधिकारी को, बुक स्टॉल को, अध्यापक को छुट्टी के लिए प्रार्थना आवेदन पत्र, या मुख्याध्यापक मुख्याध्यापिका को जो लिख रहे हैं वो औपचारिक में आता है। तो उससे उसमें सेवा में श्रीमान जी प्रति ऐसा लिखा जाता है, लेकिन औपचारिक पत्र जो है मतलब घरगुती जिसको कहा जाता है अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में,
गर्भवती पत्र जिसको कहा जाता है उसको वहां पे लिखने के लिए सबसे पहले दाहिने किनारे पे यानी कि दाहिने एंगल में प्रेशर का नाम मतलब पता जो भी कुछ है वो लिखने का, लास्ट में दिनांक लिखने का। और उसके बाद दूसरा जो है संबोधन और अभिवादन, यहाँ पे संबोधन और अभिवादन आता है। संबोधन और अभिवादन उसमें क्या आता है, विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहता है उसे उसके संबंध विशेष के अनुसार शिष्टतापूर्ण संबोधन लिखना चाहिए, जैसे आदरणीय गुरुजी, पूज्य माताजी, पूज्य पिताजी, अगर मित्र हो तो प्रिय अथवा मित्र का नाम, प्रिय मित्र जैसे प्रिय अशोक, प्रिय शिला आदि, प्रिय सहेली ऐसे भी लिख सकते हैं आप। दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन जैसे सादर प्रणाम, सस्नेह नमस्ते, शुभ आशीर्वाद। देखो सादर प्रणाम यानी कि पिताजी माताजी चाचाजी को सादर प्रणाम करना चाहिए रिस्पेक्टिवली। और मित्र जो होगी मित्र प्रिय मित्र जैसे कि प्रिय मित्र अशोक, सस्नेह नमस्ते, सस्नेह नमस्ते। और छोटा भाई होगा छोटी बहन होगी उसको पढ़ाई का महत्व समझाते हुए या 15 अगस्त 26 जनवरी का महत्व समझाते हुए उसको पत्र लिख रहे हैं आप, तो उसको क्या लिखने का, शुभ आशीर्वाद, जैसे कि प्रिय शिला शुभ आशीर्वाद ऐसे लिखने का है। मतलब रिस्पेक्टिवली जो भी कुछ है संबोधन कैसे लिखने का, जो चाचा जी माता जी पिताजी जो रहते हैं उसको सादर प्रणाम करने का है। और जो मित्र रहते हैं सहेली रहती है उसको पत्र की लिखावट करते समय संबोधन करते हुए उसको सस्नेह सस्नेह नमस्ते करने का या नमस्ते लिखने का। और शुभ आशीर्वाद किसको, अपने से जो छोटे हैं अपने से जो छोटे हैं उसको शुभ आशीर्वाद लिखने का। और तीसरा जो है पत्र का विषय, यहाँ पे आपने लिखा जैसे कि अनौपचारिक पत्र का सबसे पहले बताता हूँ, यहाँ पे जो छोटा भाई को लिखा तो शुभ आशीर्वाद लिखने का, पिताजी माताजी को पत्र लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम लिखने का, सादर प्रणाम लिख सकते हैं। मित्र को लिखने का है मित्र, प्रिय मित्र प्रिय सहेली जो भी कुछ है नाम भी लिखा तो चलेगा, तो उसको सस्नेह नमस्ते करने का नमस्ते। और भी उसके बाद विषय लिखने का पत्र का, विषय यानी कि आप किस बारे में पत्र लिख रहे हैं उसका विषय मेंशन करना बहुत जरूरी रहता है। पत्र का विषय, पत्र के विषय को 3 भागों में बांटा जाता है, कौन से, सबसे पहला जो है आरंभ, ये जो विषय लिख रहे हैं आप ये विषय में सबसे पहले जो है वो आरंभ है, यानी कि सबसे पहले आपने आरंभ क्या करने का, इसके अंतर्गत कुशल समाचार लिखे जाते हैं। लेकिन व्यावसायिक पत्रों में सीधे विषय की शुरुआत होती है, जो व्यावसायिक पत्र लिखते हैं तो डायरेक्टली आप क्या शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि अशुद्ध जल की आपूर्ति के लिए आवेदन, अशुद्ध जल की आपूर्ति के लिए कुछ तकरार पत्र जो दिए जाते हैं उसका मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन जो औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए जो भी कुछ है, मतलब मैंने आपका पत्र पढ़ा, आप मतलब कैसे हैं, आपका क्या चल रहा है, ये जो कुछ है ये अनौपचारिक पत्र में आता है। और औपचारिक पत्र में डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, विषय लिख सकते हैं, ये दोनों पत्र में थोड़ी तफावत है। और बाद में उसके बाद मध्य, ये पत्र का मुख्य भाग है, इसमें पत्र के मूल विषय को ध्यान में रखकर उचित ढंग से शुरुआत करनी चाहिए। पत्र किसके ऊपर लिख रहे हैं, या कोई तकरार है, आवेदन है, निमंत्रण है, जो भी कुछ है ये मध्य विषय में आता है। पत्र का मध्य सेंटर, मध्य में आपको जो लिखने का है वो मतलब आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या क्या लिखने का है। अगर देखो अनौपचारिक पत्र होगा किसी मित्र को जन्मदिन की शुभकामना देनी है या पिताजी को पैसे की डिमांड करनी है, तो उस बीच में जो जो कुछ आपको चाहिए, हमारी पिकनिक कहाँ चल जा रही है, उसके लिए कितने पैसे लग रहे हैं, हम कितने लोग चले जा रहे हैं, और ये सब कुछ है इसका विवरण मध्य में होना चाहिए। और उसके बाद अंत, ये तीसरा जो प्रकार है मध्य, ये प्रारंभ हुआ, ये प्रारंभ है, और ये दूसरा मध्य, और लास्ट में अंत, यानी कि समारोह कैसा होना चाहिए पत्र का, ये लास्ट में लिखा जाता है। समारोह में सबसे इम्पोर्टेंट जो है समाप्ति, अंत भी कहा जाता है उसको, जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधितों को प्रति कुशल क्षेम की अभिलाषा प्रकट की जाती है। अपने घर वाले जो भी कुछ थे, छोटे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, जो भी कुछ है, नाना जी दादा जी काका जी मामा जी जो भी कुछ है, मतलब कुशल क्षेम तो है कैसे है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ
पूछने का है, कुशलक्षेम। और समाप्ति है जो उसमें बड़े ही शिष्ट ढंग से संबंध अनुसार आपका शुभेच्छु, ये जो लास्ट का जो है उसमें आपका शुभेच्छु, आपका आज्ञाकारी यानी कि पिताजी को, चाचा जी को, माता जी को लिख रहे, तो आपका आज्ञाकारी अथवा भवदीय, भवदीय किसको, जहाँ आप मतलब किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, किसी आयुक्त को लिख रहे हैं, या किसी भी मतलब जो बड़े लोगों को लिख रहे हैं, मतलब ऑफिसर को लिख रहे हैं, चाहे मुख्याध्यापक हो, मुख्याध्यापिका हो, नगर पालिका आयुक्त हो, प्रशासन विभाग के कोई भी अधिकारी हो, उसको लिख रहे हैं, तो उस नीचे आपका भवदीय ये लिखा जाता है। इस प्रकार पत्र लिखने वाले का परिचय और हस्ताक्षर दाई और सबसे नीचे लिखा जाता है। हस्ताक्षर यानी कि यहाँ पे आपका भवदीय, भवदिया, और यहाँ पे जो है मतलब अशोक है, रमेश है, जो भी वो लिखा जाता है, या एक्स वाई जेड भी लिखा जाता है, एक्स वाई जेड जो भी कुछ है ऐसे लिखा जाता है। अपनी खुद की साइन नहीं करनी है आप खुद। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है पेपर चेक करते हुए, जब लेटर राइटिंग चेक करता हूँ तो मैं ये तीनों के तीनों मुद्दे जांच करता हूँ कि अच्छी तरीके से लिखा है। सबसे पहले दाहिने कोने में, दाहिने कोने में एड्रेस लिखा है, उसके बाद प्रति लिखा है, उसके बाद आरंभ कैसा किया है, विषय लिखा है, मध्य कैसा किया है, अंत यानी कि आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, ये जो भी कुछ है मतलब वो सिस्टमेटिकली लिखा है नहीं लिखा है ये चेक किए जाते हैं। आप उसके ऊपर मार्क्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि उसको एक मार्क, यहाँ पे एक मार्क, बीच में विषय जो रहता है उसको दो मार्क, और लास्ट वाले को एक मार्क, कुल मिला के पांच मार्क दिए जाते हैं एग्जाम में। पांच मार्क के लिए क्वेश्चन यानी कि पत्र लेखन पूछा जाएगा, तो इसी तरीके से उसका क्या बंटवारा किया जाता है मार्क्स का। जो ऊपर का जो एड्रेस है, एड्रेस, प्रति, सादर प्रणाम, सस्नेह संबोधन, जो भी कुछ है उसको एक मार्क दिया जाता है, विषय एक मार्क का रहता है, और मध्य जो रहते हैं उसको दो मार्क्स, क्योंकि थीम रहता है लेटर का वो, और लास्ट में अंत आपने कैसे किया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सर। और परिचय आपका आज्ञाकारी पुत्र, हस्ताक्षर जैसे कि विकास, शर्मिला, जो भी कुछ है नाम लिखने का, पत्र पाने वाले का पता लास्ट में लिफाफा बनाया जाता था। इससे पहले अगर पूछा गया कि लिफाफा बनाओ तो लिफाफा बनाते समय लिफाफे पर हम हमेशा जिसे पत्र लिखा जाता है उसका पूरा नाम, पता, दाहिने और लिखना चाहिए, जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिफाफे में आता है, और पत्र लिखने वाले को अपना पता बाएं और कोने में लिखना चाहिए। दाहिने और उसका पता लिखने का है, लिफाफा बनाते समय लिफाफा की जरूरत नहीं आती। शायद अगर पूछा गया कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा गया लिफाफा बनाओ, तो लिफाफा बनाते समय यहाँ पे टिकट रहता है, यहाँ पे दाएं एंगल में एड्रेस रहता है, और पीछे वाली साइड पे यहाँ पे अपना खुद का एड्रेस रहता है। लिफाफा पूछा जाता नहीं शायद, अगर पूछा गया तो उसी लिए बता रहा हूँ। और उसके लिफाफे पर हमेशा जिस पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा नाम, पता, दाहिने और पत्र लिखना चाहिए। पत्र लिखने वाले को अपना पता और बाएं कोने में लिखना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी को पत्र का विषय, स्थान, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति और शीर्षनामा आदि पर ध्यान देना चाहिए। ये जो मैंने सबसे पहले बताया, स्थान बताया, दूसरा जो है दिनांक के बारे में जानकारी ली, और उसके बाद संबोधन, अभिवादन, नहीं सॉरी संबोधन, विषय, पत्र का मध्य और समाप्ति यानी कि अंत। ये जो है पांच छह जो पॉइंट है उसे निर्भर करते हैं, पत्र लेखन में निर्भर करते हैं, जैसे कि। और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर को आपको जो पत्र के जो विषय है, विषय के बारे में पीडीएफ सेंड करूंगा, उसके ऊपर आपको ऐसे बुक में ही पत्र लिखने का है, ऐसे बुक के मतलब जो पांच छह जो ऐसे उसमें
अच्छे तरीके से लिख पाओगे, उसके बाद लास्ट वाले जो है मतलब 9-10 जो पेज है उसमें आप पत्र लिख सकते हैं। तो पत्र लेखन के लिए एक लास्ट वाला विभाग तैयार करना चाहिए। ऐसे बुक आपने बनाई होगी कि कोई ऐसे बुक के लास्ट में पत्र लिखने का है, 5-6 मतलब यानी कि 4-5 पत्र दिए जाएंगे, उसमें आपको लिखने का है। तो विषय दिए जाएंगे पत्र के और उस विषय के बारे में आपको लिखने का है। मैंने आज आपको पत्र लेखन में औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है और 8-9 स्टैंडर्ड के लिए आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। फलक लेखन यानी कि सूचना फलक कैसे लिखना चाहिए, निमंत्रण फलक कैसे लिखना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी है। नेक्स्ट लेक्चर को मैं आपको मुझे ऐसे लगता है कि आपको पत्र लेखन में जो भी कुछ बताया गया है वो मतलब समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सभी पत्र के जो भी कुछ नमूने हैं वो नमूने के बारे में, विषय के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।